बिहार के मोतिहारी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जिसने भी सुना वो दंग रह गया। यूं तो मोतिहारी में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, एक कार गन्ने से लदे ट्रैक्टर से टकरा गई और कार के परखच्चे उड़ने के बाद घायल कार छोड़कर फरार हो गए। लेकिन उस कार के अंदर से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। कार के अंदर से पुलिस को 1,31,00,000 रुपए बरामद हुए। पुलिस को इतनी रकम गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। जांच के बाद पता चला कि कार जिले के गायघाटी निवासी जयकिशन तिवारी की है, जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जमीन के अधिग्रहण में हुए 3 करोड़ के फर्जीवाड़े के मामले का संदिग्ध है। उनका और जिनकी गाड़ी से ये राशि बरामद हुई है, दोनों के नाम जयकिशन तिवारी है और जिस राशि का उल्लेख नगर थाने के प्राथमिकी में है लगभग उतनी ही राशि यहाँ बरामद हुई है। तो इससे संकेत तो यही मिलता है कि इसका कोई लेना देना है उस मामले से। पुलिस इसमें बहुत सक्रियता से जांच पड़ताल कर रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही गाड़ी के मालिक को भी ढूंढ निकाला जाएगा और इस तथ्य को स्थापित करने में हरसिद्धि पुलिस कामयाब होगी कि ये राशि फिलहाल पुलिस घायलों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ फर्जीवाड़े का आरोपी और घायल में से कोई नहीं लग सका है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com